ये हमारे आई डली रोड पे चलते हुए थप्पड़ मारते। क्यों किसी की छोड़ा? जैसे कि आप लोगों को पता हो कि दो दिन पहले एल्विस यादव ने एक लड़के को रेस्टोरेंट में थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे एंड काफी लोग उनको हेट भी दे रहे थे। तो फाइनली एल्विस यादव ने अपने ब्लॉग में इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया एंड इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप लोग देखिए। भाई उसके ना शरीर कांप गया लड़के का कि सुन ली इसने और अब क्या करेगा ये। उसने हाथ आगे करा, मैंने भी हाथ आगे करा, उसने भी हाथ आगे करा। उसको लगा कि नहीं पता है क्या मिलने आ रहा मेरे से। मैं कहा मिलने आऊंगा मैं, 3:30 जो बोली मुझे मिलूंगा मैं तेरे से नॉर्मल। मैंने जड़ दिया भाई तमाचा। उसके बाद थोड़ी तू तो मैं से, उसने कुछ नहीं बोला। एक दूसरी साइड की टीम भी रेडी हो रखी है। एल्विस तो ये है हमारे यूथ आइकन, ये है हमारे आइडल, ये रोड पे चलते हुए थप्पड़ मारते। मैंने सोच रहा भाई कोई उनकी माँ भाण को गाली बकते पीछे से, अगर ये वहां जाके तुम क्या करोगे, स्माइल पास करोगे उसको, ये इग्नोर मार के चल दोगे। हमारा तो भाई जमीर जिंदा, अभी हमारा कोई गाली बकेगा हम तो नहीं सुन पाते। आमने सामने मिल जाए मैं तो छोड़ता नहीं बंदों को। ये ऑनलाइन जितने भी गैंगस्टर बने ऑनलाइन बैठ के कमेंट पास कराए भाई, ये तो वहीं धरे रह गए। ऐसे बोल जाओ मेरे सामने, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना सेम चीज, मुझे रिग्रेट भी नहीं है। ऑल्सो गाइस लव का टेरर ने भी रिएक्ट किया इस चीज पर एंड उसका क्या रिएक्शन था इस पर आप लोग देखिए। मैंने फोन किया ना कैसे हो गया था, उसने बताया कि अरे गाली वाली वगैरह बताया। मैंने कहा यार फिर तो गाली वाली बोल के तो बाबा फिर तो शाबाश, फिर तो शाबाश भाई की भाई शाबाश होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम तो भाई के गए तो थे ही ना, हमने तो बेरा क्यों किसी की छोड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।